थैंक यू। बात हुई मिश्रा से? नंबर ऑफ जा रहा है उसका। उसके घर चले? हमारा उसके घर जाना उसके लिए मजीद प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दे। मैं बात करती हूँ ना जाकर। उसकी भाभी बहुत अच्छी हैं, वो जरूर सपोर्ट करेंगे। मैं ज्यादा ना सोचें, मैं चेंज करके आ रही हूँ, चल रहा हूँ। आपने मना किया है सख्ती से? मैंने बात करनी है मीशा से, मुझे प्लीज जाने दें। नहीं, फिर बात आएगी, फिर बात करेंगे। लेकिन तुम जो, मैं बात करती हूँ भाभी। मैंने मीशा से बात करनी है। तुम इधर आओ। तुम्हारी मीशा से बात नहीं हो सकती है क्योंकि उसका फोन आंटी के पास। पर क्यों भाभी, अभी तो मॉम आई थी उसका प्रपोजल लेकर। इसलिए क्योंकि वो लोग नहीं चाहते कि मीशा की शादी फरहाद से। देखा नहीं था तुम्हारी अम्मी को किस तरह इंसल्ट करके घर से निकाला था? और अब उन लोगों का ये इरादा है कि वो जल्द से जल्द मिशा की कहीं और शादी कर दे। शादी? कोई प्रपोजल आया है क्या? निकाल का प्रपोजल है। लेकिन प्रपोजल तो नाराजगी चल रही थी ना, फिर कैसे कर सकते हैं शादी निकाल से? मारिया, जिद में इंसान ना कुछ भी कर सकता है। और वकार और आंटी के सर पे जिद सवार हो गई है। उन्हें ना मिशा का दर्द नजर आ रहा है, ना उसकी तकलीफ और ना ही आंसू। तुम्हें पता है मुझे डर है कि मिशा कहीं अपना को कुछ कर ना ले। देखो, मुझसे ना उसकी हालत देखी नहीं जाती। तुम तो दोस्त हो उसकी, तुम ही कुछ करो उसके लिए। सब मिशा को माफ करके भूल गए थे ना अफेयर। मेरे होते हुए इतनी आसानी से भूलने नहीं दूंगी मिशा की आशिकी को। अब तुम जाओ, कोई आ जाएगा वरना। जाओ जल्दी जाओ। आप बंद करें।